दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि राज्य के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी राशन कार्ड धारकों को हाल ही में विभाग द्वारा एक सूचना जारी किया गया, जिस सूचना के मुताबिक जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सभी सदस्यों के साथ अपने राशन कार्ड की EKYC अवश्य करवाएं। अगर आप अपने कुछ ऐसे सदस्य जिनके EKYC नहीं कराते हैं तो उसका नाम स्वतः आपके राशन कार्ड से विलोपित अर्थात डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक नई अपडेट निकल के आ रही है जिसके तहत राशन कार्ड में से नाम कटना भी शुरू हो गया है और इसको लेकर एक अपडेट जारी की गई है। सो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको नहीं पसंद हमेशा तरफ से वेबसाइट को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने आदेश दिए हैं कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सभी सदस्यों के साथ अपने राशन कार्ड की EKYC अवश्य करा लें। अब EKYC करवाने के लिए नज़दीकी किसी भी जन वितरण प्रणाली अर्थात राशन डीलर के पास जाइए और वहां पे EPOS मशीन के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेट करके आसानी से सभी सदस्यों का EKYC करवा सकते हैं। EKYC कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया, बिल्कुल फ्री में आप सभी सदस्यों की राशन कार्ड की EKYC करा सकते हैं। अब अगर आप राशन कार्ड की EKYC नहीं कराएंगे तो आपका जो सो राशन कार्ड में से नाम विलोपित कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा और आप राशन से वंचित हो जाएंगे। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि राशन कार्ड में से कुछ ऐसे सदस्यों का नाम भी डिलीट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास एक ये पेपर कटिंग है, इसी पेपर कटिंग के माध्यम से पूरे विस्तारपूर्वक जानकारी बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों के साफ साफ जानकारी दी गई है कि राशन कार्ड में हटाए गए नाम को जोड़ने की मांग की है। राशन कार्ड में से नाम हटाए गए व्यक्तियों के जो भी सदस्य जिनका राशन कार्ड में से नाम हटा दिया गया उस नाम को जोड़ने की मांग किया। अब किसने मांग किया इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझिए। यहाँ देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि पटना महानगर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश पुजारी ने राशन कार्ड में हटाए गए नाम को जोड़ने की PM व CM से मांग की है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई है कि कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष प्रकाश पुजारी ने राशन कार्ड में से हटाए गए नाम को जोड़ने की PM तथा CM से मांग की है। अब कौन से सदस्यों का नाम हटाया गया और कौन से सदस्यों के नाम जोड़ने की मांग की गई है इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से जानिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आधार संख्या की अनिवार्यता सीडिंग के लिए 30 सितंबर 2024 तक विस्तार किया गया। यानी कि राशन कार्ड की EKYC करने की जो अंतिम तिथि है वो अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। उसके बाद दूसरे के यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है कि इससे पहले ही बहुत सारे लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया। यानी कि इससे पहले ही बहुत सारे लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया तो उन सभी राशन कार्ड धारकों का पुनः राशन कार्ड में नाम जोड़ने की मांग की है। तो दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अगर आपका राशन कार्ड में से नाम हट गया है तो ऐसे में आप पुनः नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए नज़दीकी आपको अपने अंचल कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय जाइए और वहाँ पे आप जो राशन कार्ड पहले था वो राशन कार्ड दीजिए, कुछ आप प्रूफ दीजिए जिससे कि आप जो सो यह प्रमाणित कर सके कि आप राशन लेने योग्य हैं, आप एक गरीब परिवार हैं। और उसके बाद एक एप्लीकेशन देकर पुनः आप जो सो राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से ही अगर आपका राशन कार्ड में से नाम डिलीट कर दिया गया, आप आधार नंबर दर्ज करके सर्च करते हैं कोई डिटेल्स नहीं आ रहे, तो ऐसे में आप चाहे तो नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज किस एक जानकारी था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।